من ألفكم تحن تعرف الله لا إلا هو الحي القيوم ميروه جموت سباق عطا بمن تجلو اس الله کی جسکی شنشاہی اس الله نے بھی مشکل بنایا Allah ki decision salam ne mujhko banaya Allah ke paabar ban ke chalo jisne unhe aankhon ka noor diya very cute yaar zuban ne bol diya jisse mein taqat di aqal ko samajhne ki aushad di bas Allah ke paabar ban ke chalo ग्रेट यार, बहुत ही क्यूट वीडियो है, बहुत ही क्यूट बच्ची है। हाँ, जिसने मौलाना तारिक जमील साहब का पूरा बयान याद किया हुआ है, ये मौलाना तारिक जमील साहब के बोल है, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान है। आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखे। बहुत ही क्यूट बच्ची है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो बयान आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आसमान की छत में अल्लाह के कब्जे में है, आसमान की छत में अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का पहन अल्लाह के कब्जे में है, अल्लाह के कब्जे में है, शादी का मौसम अल्लाह का इरादा है, बालों से पानी का देना अल्लाह का इरादा है, बर्फ का देना अल्लाह की बच्चाई और तो बन का आना बिजलियों का चमकना बादलों के बैच मौसमों का तब्दील होना दरख्तों के भल बलों के जायकेदार चमकन को बलों के मिठा सुपर के बल के पहुँचे के इतना ही मौलियत की कुदरत का शाहकार नैना दना लै छोड़ के दिखाओ जोल के दिखाओ उसे पेंटिंग करके दिखाओ उसमें रंग भर के दिखाओ मिजाज के बन के दिखाओ घाय के दम से निकलता हुआ दूध देखो हिरन के नजर में मुश्क और सायन के मुंह में जहर और मक्खी के मुंह में शोर आदम की सारी नस्ल का मालिक दो पंप पे चलने वाला का बच्चा चार पंप पे चलने वाला का मालिक देखो ये बच्ची कितनी क्यूट लग रही है यार, आप जरा इसके फेस को देखे तो ये एक मुसलमान बच्ची की पहचान होती है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इस तरह होते कि वो डांस करती है, वीडियो बनाती है, डांस के वीडियोस, गानों के वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है, बट आई फील प्राउड कि इस तरह के बच्चे भी है पाकिस्तान में, मुसलमानों में, जो बहुत अच्छी तरबियत इसकी हो रही है, बहुत अच्छे पेरेंट्स है इस बच्चे की के जिसको इस तरह का तरबियत मिल रही है। तो चलो वीडियो आगे देखे यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इस बच्ची ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया। अल्लाह ताला इस बच्ची को आलिमा बनाए, हाफिजा बनाए, ताकि ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और इस्लाम के लिए और दीन की शाद के लिए एक जरिया बने। तो चलो आगे देखे। खाने वाले सब पर अल्लाह की शान चाहिए लम्मा किस्सा मारा कि वमा तलाश वमा बैन वमा वमा कस्ता कस्ता सवार इंतजार बिल कौल इन्नहु यालम सिराखा कौन हो अल्लाह। वाह, जज़ाकअल्लाह यार, सुभानअल्लाह। बच्ची को जरा देखे यार, बहुत ही क्यूट बच्ची है यार, बहुत बहुत ही क्यूट बच्ची है और इस तरह की अगर बातें ये करेगी तो अल्लाह ताला इस बच्ची को और भी खूबसूरत बनाएगा, अल्लाह ताला इस बच्ची को और भी नूर देगा। क्योंकि इस्लाम में आप लोगों को पता है कि जो भी बंदा इस्लाम के लिए काम करता है, पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, तो इसके जो फेस पर ऑटोमेटिकली एक नूर सा आ जाता है। बंदा चाहे कि इसके फेस को मैं देखता रहूं, अगर आप बड़े बड़े आलिमों का फेस देखें, मतलब तारिक जमील साहब का, इसके जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, तो बस लोग कहते हैं कि मैं इसके फेस को देखता रहूं, इतना नूर होता है उसके फेस में। तो इस तरह ये बच्ची भी है, अल्लाह ताला ने इसके फेस में एक नूर रखा हुआ है और अल्लाह ताला इसके फेस को इस तरह बरकरार रखे और अल्लाह ताला इसको और भी हिदायत दे कि ताकि ये आलिमा बने, हाफिजा बने, अपने माँ बाप के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, दीन के लिए, और ये एक
वैसे तो आप अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि वो अपने बच्चियों का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और एक फख्र सा महसूस करते हैं कि मेरी बच्ची डांस कर रही है और मेरी बच्ची वो है डांस के वीडियो शेयर करते हैं। लेकिन फख्र इस बच्ची को करना चाहिए, फख्र इस बच्ची के माँ बाप को करना चाहिए जिस माँ बाप ने बच्ची को इस तरह तरबियत दी। तो सलाम करता हूँ ऐसे माँ बाप को जो अपने बच्चों का इस तरह तरबियत करते हैं, और हमें करना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह होते हैं कि वो इस उम्र में गाली देना सीख जाते हैं, मोबाइल में फिल्में गाने कार्टून वगैरह देखते हैं। तो इससे बेटर है कि बच्चा हो बंदा उसे सिखाए कि यार कार्टून के बजाय तिलावत देखे, कार्टून के बजाय मौलाना तारिक जमील साहब दिखाए कि देखो ये मौलाना तारिक जमील साहब है, ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब है, ये देखो ये इस्लामी स्टोरी है, ये खाना काबा है, ये मक्का है, ये मदीना है। तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए यार, आपको पता है कि हम मुसलमान है यार, हमें आगे बढ़ के अगर ये बच्चियां इस तरह की परवरिश होती रहेगी तो ये आगे जाके बहुत आलिमा बहुत फाजिला बन सकती है। और अगर जो बच्चे डांस कर रही है, जो बच्चे कार्टून देख रही है, जो गाने देख रहे हैं, जो फिल्में देख रहे हैं, तो आप खुद सोचे कि वो आगे देखे क्या बनेगी, बच्चे हो या बच्चिया हो जो भी हो। बट हमें चाहिए कि अपने बच्चे की बेहतर परवरिश के लिए इसे इस्लाम की तरबियत दे। इस्लाम में इस्लाम एक कुल दीन है, एक जबरदस्त एक सच्चा मजहब है यार, और हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया है जो आखिरी रसूल है और अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए खान रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर करें। वस्सलाम।